ये क्या नाम है, हर्षिकेश, ऋषिकेश, हर्षिकेश। ड्रॉपर्स JEE 2022 वाले क्या करेंगे? अच्छा, जो ड्रॉपर्स है वो क्या करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया ना। सेम मतलब दोनों को ज्वाइन कर लो, 12th को भी ज्वाइन कर लो, 11th को भी ज्वाइन कर लो। अल्टीमेटली मेरे ख्याल से कितने हैं ड्रॉपर्स, है क्या यहाँ पे कितने लोग हैं जो मतलब 2021 के लिए एस्पिरेंट थे बट अभी उन्होंने सोचा है कि नहीं 2022 में ट्राई करेंगे फाइनल, है ना। तो ऐसे जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल से देखो बेस्ट यही है कि आप 12th का बैच तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया मैंने, उसमें पहला चैप्टर अभी ऑलमोस्ट खत्म होने को भी है, ठीक है। तो 12th का बैच चल रहा है, नंबर से पहले ही कर देंगे, नवंबर के आसपास ये पूरा बैच खत्म हो जाएगा। अभी 11th भी आपका स्टार्ट हो रहा है, 11th विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 25th ऑफ अप्रैल से ये स्टार्ट होगा, और 25th से स्टार्ट हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा आपका नवंबर में। तो नवंबर तक आपका 12th का सिलेबस भी कवर हो जाएगा और 11th का सिलेबस भी कवर हो जाएगा। 11th के सारे चैप्टर्स कवर्ड, 12th के सारे चैप्टर्स कवर्ड। बस यही है कि आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे क्लासेस करनी पड़ेगी। जो 11th वाले वो केवल 11th की क्लास देखते हैं, 12th वाले 12th की देखते हैं। जो ड्रॉपर्स है उनको दोनों देखनी पड़ेगी, 11th ऑल्सो एंड 12th ऑल्सो, ठीक है ना। यस, इस तरह से मेरे ख्याल से आप पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे नवंबर तक। बट अगेन मतलब यहाँ पे जो भी हम कोर्सेस कर रहे हैं उसमें काफी डिटेल में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर से बता के खत्म कर दिया, है ना। एक ही चैप्टर हमारा तो पता नहीं कौन सा अभी 20वां लेक्चर चल रहा है, ठीक है। प्लस के लेक्चर देखो काफी सारे लेक्चर्स है, तो मतलब ऐसा नहीं कि खत्म कर देंगे, आपको आराम से सब कुछ पढ़ाया जाएगा इन डिटेल, फाइन। और ठीक है ना।